उपस्थित होने के लिए अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने और प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग ने और अन्य नेताओं ने भी पीएमसीएच के लिए जो काम किया जाने वाला है उसके बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी दी थी। और इस अवसर पर आप सब लोग उपस्थित, यह हम लोगों की तो पुरानी इच्छा है। हम पटना यूनिवर्सिटी में साइंस कॉलेज में मैट्रिक के बाद हम लोग पढ़े थे और वहीं से निकल करके हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए और मेरे साथ पढ़ने वाले कई लोग मेडिकल कॉलेज में आए, तो हम लोगों का रिश्ता तो छात्र जीवन से रहा। वो आते थे हमारे यहाँ, हम आते थे यहाँ देखने के लिए, सब कुछ करते हुए। वैसे तो पीएमसीएच का अपना एक महत्व था ही, लेकिन फिर भी एक व्यक्तिगत जिसको कहिए कि सिर्फ हम जिस कॉलेज में पढ़े उससे ही लगाव नहीं, बल्कि यहां से भी बहुत लगाव। और जब इंजीनियरिंग कॉलेज को केंद्र में सर्वे अटल जी की सरकार थी और उस समय उसको एनआईटी में कन्वर्ट करने में मुझे सफलता मिली और लोगों ने इस बात को माना, उसी समय से मेरे मन में लग रहा था कि भाई पीएमसीएच को भी जरूर बेहतर बनना चाहिए। लेकिन जब यहां काम करने का अवसर मिला तो आप याद करिएगा, जितने कार्यक्रमों में यहां आने का मौका मिला, पूर्व छात्र छात्राओं का जो कार्यक्रम होता है एलिमिनाई सब चीज का, उसमें कई बार हमको आने का मौका मिला है। लेकिन हर बार हम यही कहते रहे कि भाई पीएमसीएच को और बेहतर बनाया जाए, आप लोग भी सोचिए कैसे आगे बढ़ेगा। और उस समय से हमारी इच्छा थी कि बहुत, और हमने फिर यहाँ के अनेक डॉक्टर से भी बातचीत की और ये कहा कि इसको जरा विश्व स्तर का बनाए, हम लोग खास किस्म का बनाए। अब यहाँ पर अन्य मेडिकल कॉलेज भी बिहार में है, सब कुछ यहाँ पर बन गया है, लेकिन फिर भी जो पीएमसीएच है इसका इस तरह से पुनर्निर्माण होना चाहिए और विकास होना चाहिए जो विश्व स्तर का ही बने। तो उस समय हम बार बार कहते थे, लेकिन जितना तेजी से काम होना चाहिए, चिकित्सक लोग उतना, डॉक्टर्स लोग उतना उसको ध्यान देते थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकाल पाते। और उसके बाद मुझे बड़ी खुशी है कि जब हमारे मित्र यहां मंगल पांडे जी जब स्वास्थ्य मंत्री बने और इनको शुरू में ही हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की और उसमें फिर हमने चिकित्सकों पर एक दिन हम लोगों ने पूरी चर्चा की, अनुरोध किया, उसके बाद कमिटी बना करके जो भी काम शुरू किया गया और फिर इसके बारे में उन्होंने सारी बातों को बता दिया, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, किस तरह से सब जगह का अध्ययन करके आकलन करके कैसे ये बेहतरीन बनेगा, कितने बेड का हॉस्पिटल बनना चाहिए। उस समय हम लोगों के मन में 5000 बेड रहा करता था और अभी तो पता चला दूसरे नंबर, उस समय नहीं पता था कि कहीं दूसरी जगह 5000 बेड से भी ज्यादा, ये तो बाद में पता चला कि एक हॉस्पिटल है 5000 बेड से ज्यादा। लेकिन उस समय हम लोग 5000 बेड का सोच रहे थे, ये मान रहे थे कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है और ये बनेगा, बहुत अच्छा होगा। और पीएमसीएच का कितना लगाव था, जब हम लोग यहां पर पढ़ते थे तो पता चलता था कि पीएमसीएच में इलाज करने के लिए सिर्फ बिहार के लोग नहीं, दूसरे राज्यों के लोग आते थे, ये उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी हिस्से के लोग आते थे, नेपाल के कितने लोग आते थे, कई दूसरे राज्यों से लोग यहां इलाज के लिए आया करते थे। तो पीएमसीएच का तो इतना महत्व था, तो हम लोग तो चाहते हैं कि पहले जो महत्व था अब उससे और भी बेहतर बने। और इसी के लिए सारी बात की, कमिटी बन गई, सब कुछ लोगों ने तैयारी कर ली और एक एक चीज बनाया। और उसमें हम लोगों को लगा कि पिछले 5000 का जो हॉस्पिटल था बेड का, उससे भी बड़ा इसके बारे में सोचा गया और सब कुछ किया गया और बहुत अच्छी योजनाएं बन गई और सब कुछ बन गया। इसके बाद जो हम लोगों के तो था कि भाई एक साल पहले इसका काम शुरू हो जाता, लेकिन कई तरह की बाधाएं आ जाती हैं, कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। और हमको तो याद है करीब करीब 2 साल पहले 2019 में यहां पर जो मीटिंग हुई थी और उसमें जेपी नड्डा साहब थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर आए थे, वहां पर भी हम लोगों ने बातचीत बहुत की।
तो उसके बाद खैर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई और उसके बारे में कितनी बार जो अभी मंगल पांडे जी ने बताया, अनेकों बार हम लोग चर्चा करते रहे इसको और कैसे बनाया जाए, तो उसी को फिर तीन फेज में बनाना है। और यहां जो पीएमसीएचएफ किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा, एक हिस्से में काम करेंगे, पीएमसीएच का काम चलता रहेगा और उसी तरह से तीन फेज में हम लोग बना देंगे। और आपको अभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करके किस तरह का दिखाया गया है, कैसा नक्शा बनेगा और यहां के जो भी चिकित्सक है उनके भी रहने का इंतजाम, दूसरे जो जितने भी इंप्लाइज होंगे उनके रहने का इंतजाम, छात्र छात्राओं के रहने का इंतजाम, सब का इंतजाम यहां पर किया गया, कोई चीज छोड़ा नहीं गया ताकि लोग रहे। और आप जानते हैं कि पीएमसीएच को किस तरह से जोड़ा जा रहा है, गंगा पथ से भी जोड़ा जाए और मेन रोड जो है उसके साथ, तो सब जगह से सड़क बना करके, एलिवेटेड सड़क बना करके इस काम को करने का, वह भी उसका भी टेंडर हो चुका है और वो बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाए, तो लोगों को आने में। और आप देखिए जो बता दिया इन्होंने मंगल पांडे जी ने कि किस तरह से हेलीकॉप्टर से भी लोग आएंगे, अगर कोई गंभीर स्थिति में है उनको आए इमरजेंसी स्थिति में, तो वो उसका भी इंतजाम किया गया। तो हर प्रकार से लोगों के आने का, और यहां पर जो लोग भी रहेंगे, जो गाड़ियां रहेंगी उनको, बहुत सारी गाड़ियों को भी रखने का, किस तरह से आएंगे ताकि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा, सब लोग अपना काम करेंगे और बाहर से जो चिकित्सा कराने के लिए आएंगे उन सब लोगों का भी प्रॉपर इंतजाम रहेगा और किसी को यहां मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस तरह से एक एक चीज को हम लोगों ने सोच लिया है कि कैसे इसको हम लोग लीड करेंगे। तो हर तरह से तो जो भी तैयारी की गई है इसके बारे में अभी माननीय मंगल पांडे जी ने बता दिया है, तो आप जरा सोच लीजिए कि किस तरह का ये अस्पताल बनेगा। लेकिन मेरा तो एक ही आग्रह है, अभी उन्होंने बता दिया है कि जो लक्ष्य रखा गया है तो ये सब तो है, लेकिन हम रोज अब जो भी काम करने वाले, अभी आते वक्त भी उनको हमने कहा कि भाई ये 7 साल है, ये 7 साल नहीं, इसको 5 साल में पूरा कर दीजिएगा, हमारा यही आग्रह। एक योजना जिससे सोचते 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 8-13-14 साल के बाद काम शुरू हो रहा, तो अब इतना ज्यादा समय लग जाए ये अच्छा नहीं है। जितना तेजी से काम हो, काम होगा तो लोगों को पता चलेगा। और इतना हम बनाएंगे जो भी इसके कॉन्ट्रैक्टर है जो इस काम को करेंगे उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, राज्य सरकार की तरफ से उनको सहयोग मिलता रहेगा, वो काम करे और तेजी से काम करे और निश्चित रूप से जो भी उनको बाहर से इंतजाम करना उस इंतजाम को करेंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ लोग थोड़ा काम करने में किसी न किसी कारण से देर करते हैं, अन्य जगहों पर तो देर कर लेते हैं, लेकिन देखिए भाई हम यही कहेंगे पीएमसीएच में ये काम करना, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ये दूसरे प्रकार का काम, इसमें विलंब मत करिएगा, निश्चित रूप से पूरा काम कर दीजिएगा। और इस तरह से यहां हम लोग कर रहे हैं, उसी तरह से अन्य अस्पतालों में भी, कई और अस्पतालों में भी, एनएमसीएच में भी, मुजफ्फरपुर का अस्पताल, हर जगह के अस्पताल के लिए भी हम लोगों ने और भी बेड बढ़ाने का, गया में बेड बढ़ाने का सब चीजों के बारे में निर्णय लिया है, उसके बारे में भी राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है। तो हर प्रकार से लोगों का इलाज हो। देखिए एक बात तो हम लोगों को लगता है कि भाई किसी को अपने इलाज के लिए मजबूरी में बाहर नहीं जाना, वैसे तो किसी की भी इच्छा होती है, कोई अपना इलाज करने के लिए बिहार से कराने के लिए बिहार के बाहर जाते हैं, कई लोगों का संबंध दुनिया के विभिन्न देशों से है वहां जाते हैं, ये तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन मजबूरी में किसी को इलाज के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़े, इसलिए हर प्रकार की बीमारी का इलाज यहाँ पर होगा और उसके लिए पूरा का पूरा अनुसंधान का काम भी चलता रहेगा। और इतना ही हम लोग राज्य सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं, किसके लिए जितने भी संसाधन की जरूरत है, जितने भी और ज्यादा लोगों को बहाल करने की जरूरत है विभिन्न स्तरों पर, और उसके लिए जितने भी धन की जरूरत होगी
हम लोग इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इसको हम लोग आगे कराएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। कोई भी आदमी जन्म लेता है, कई प्रकार की कठिनाइयां होती, और आप जानते हैं हम लोगों ने पहले किया, पहले क्या होता था भाई, अस्पतालों की हालत क्या खराब लोगों ने रख लिया, कोई काम नहीं करते थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी क्या स्थिति होती थी, कहां कोई सिस्टम था। हम लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने 2006 से ही एक एक काम करना शुरू किया, हर प्रकार का काम किया, और इस बार तो और भी ज्यादा इस टेंडर में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके सहारे लोग गांव में भी रहेंगे और वहां से भी चिकित्सकों से उनकी बात हो जाएगी, अकारण किसी को घर के बाहर जाकर के इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारी बातों का, और कोई भी इलाज करने की जरूरत है उनका इलाज कराने के लिए इंतजाम किया जाएगा। तो हर तरह से हम लोगों ने आगे के बारे में भी सोच लिया है, तो ये सब काम तो हम लोग करेंगे पूरे क्षेत्र में, तो ये सब तो हम लोगों का दायित्व तो है। लेकिन आज बहुत भीतर से मुझे एक खुशी हो रही है कि अब काम शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसी प्रकार से जो मैंने पहले कह दिया कि जरा तेजी से काम हो और किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही, हम लोग इसको देखते रहेंगे। और यहां पर हमारे प्रधान सचिव भी बैठे हुए, अन्य यहां पर अधिकारी लोग भी बैठे हुए, हम सब लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी और हमारे जितने पुराने सब लोग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहां पर, इन लोगों के साथ मिलकर के एक कमेटी बना करके रखिए ताकि नियमित रूप से वो देखते रहे कि जो निर्माण का काम हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है, सही प्रकार ठीक प्रकार से हो रहा है, इसको देखते रहे। और अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता हम लोग उसमें और ज्यादा अगर संसाधन की जरूरत होगी तो उसका भी प्रबंध करेंगे, अन्य और एक्सपर्ट को इसमें लगाने की जरूरत होगी तो उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा प्रबंध करेंगे। लेकिन मेरी तो एक ही ख्वाहिश है भाई, 7 साल का हफ्ता है, हम दोहरा करके कहेंगे इसको और कम करके 5 साल में पूरा करवा दीजिए, और जो आपको चाहिए हम कह दे रहे बनाने वाले, जो चाहिए हम लोग और कर देंगे, लेकिन कर दीजिए, इतना कर दीजिएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि जो इच्छा और जो ख्वाहिश हम लोगों का है वो पूरा हो गया, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और पूरे के पूरे क्षेत्र में और हमारे सभी पुराने चिकित्सक एक से एक एक्सपर्ट लोग यहाँ पर, हम तो सब लोगों से यही विनती करेंगे, आग्रह करेंगे, हम लोग तो मीटिंग करते ही हैं, कई बार चर्चा करते हैं, कोरोना का दौर आया तो उसमें भी कई लोगों से हम लोग बातचीत करते रहे कि और भाई आपका गाइडेंस मिलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, अभी सब कुछ बता दिया गया किस तरह से हम लोगों ने कोरोना से लोगों को बचाने के लिए कितना काम किया, चाहे कोरोना के इलाज के लिए, और सभी लोगों को हम आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं कि लोगों ने यहाँ के सब लोगों ने, चिकित्सकों ने और चिकित्सा से जुड़े हुए सभी लोगों ने कितना बढ़िया काम किया, कितना रिस्क लिया है, एक एक लोगों की सेवा की है। और आप जानते हैं अन्य जगहों पर दुनिया में कितने लोग इससे पीड़ित हुए हैं, और जो पीड़ित हुए हैं उनकी मृत्यु कितनी ज्यादा हुई है, अपने देश में दुनिया की तुलना में कम मृत्यु हुई है जो पीड़ित हुए हैं, लेकिन अपने बिहार में अपने देश में भी जितने लोग हुए हैं पीड़ित, मृत्यु जिनकी हुई है उससे बहुत कम, यानी पूरे देश में जितने लोग इसके पीड़ित हुए उसमें से 1.44% का डेथ हुआ, लेकिन बिहार में 0.58% का, आप समझ लीजिए 15% कुछ ही ज्यादा, और अपने देश में तो 1.5 लाख से भी ज्यादा का डेथ हुआ। तो आप सोच सकते हैं बिहार में आप लोगों ने कितना काम किया और सब लोगों में कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ, हर प्रकार से आज तक हम लोग कितना टेस्ट करवा रहे हैं, जो टेस्ट हो रहा है आप सोच लीजिए 10 लाख की आबादी में जो देश में जितना टेस्ट हो रहा और बिहार में जो टेस्ट हो रहा, देश का जो 10 लाख की आबादी पर टेस्ट है उससे भी 22,000 ज्यादा टेस्ट एवरेज टेस्ट से ज्यादा अपने बिहार में हो रहा है, एक एक तरफ से सोच लीजिए। और जब हम केंद्र सरकार को
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए हम बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि किस तरह से लोगों ने मेहनत किया और यहां अपने देश में ही वैक्सीन हो गया और उसी का वैक्सीनेशन और टीकाकरण अब शुरू हो गया है। और क्या खुशी हुई है कि अभी जो हम लोगों को कल का फिगर ये बता रहे थे कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भी टीकाकरण भी हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं। हर प्रकार से हम लोग, आप सोच लीजिए, पल्स पोलियो कैंपेन याद करिए, अभी जब सरकार बनी हम लोगों की 2005 में नवंबर महीने में, उसके 7 दिन के अंदर ही दुनिया भर से लोग आए और पोलियो के चलते बहुत नुकसान था और वो लोग मिलना चाहते थे। हमने कहा कि ठीक है, 7 दिन के बाद मिलेंगे, अभी असेंबली पहला है जिसमें सबका शपथ ग्रहण वगैरह है, लेकिन वहां से आग्रह किया कि नहीं हम आना चाहते हैं, आइए। और तब उन लोगों से बातचीत करके हमने आश्वस्त किया और पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते के माध्यम से हमने पूरे देश, पूरे राज्य के जिलाधिकारियों से बातचीत की और सब लोगों को यह जिम्मा दिया कि पल्स पोलियो कैंपेन चलेगा और उसको बहुत ही बुलंदी के साथ पल्स पोलियो कैंपेन चलाइए। और कितना बढ़िया पल्स पोलियो कैंपेन चला और उससे मुक्ति मिल गई, कितने लोग आए हैं, बाहर से भी कितना सम्मान मिला है इसके लिए। तो जब यहां पर काम शुरू होता बहुत अच्छा, तो जब आए यहां पर तो शुरू में पल्स पोलियो कैंपेन, और आज हम देख रहे हैं कि ये जो बीमारी आ गई और इस बीमारी में भी किस तरह से अब सिर्फ इलाज ही नहीं, जांच ही नहीं, पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का भी जितना बढ़िया से काम चल रहा है, तो उसके चलते आप सब लोग ही बधाई के पात्र हैं। और सब लोग से हम यही आग्रह करेंगे, अब तो हम देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ गांव वगैरह में अब किसी को जरा भी चिंता नहीं, अब कहने लगता कि नहीं अब हमको कुछ नहीं होगा। आप सोच लीजिए अब कितने कम लोग अब पीड़ित बचे, लेकिन फिर भी सतर्क रहना है, सचेत रहना है। और जो भी काम हो रहा हम लोग पूरे गंभीरता से, अभी तो फर्स्ट वेव चल रहा है, अब इसके बाद जो 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का और 50 साल से कम उम्र वाले जो अन्य प्रकार की बीमारी, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, वैसे तमाम लोगों का जो लिस्ट बनकर के तैयार हो रहा है एक एक चीज के लिए, और उनका वैक्सीनेशन काम जो इस महीने के बाद जिसकी पूरी संभावना, पूरी उम्मीद है, और किसी प्रकार का लोगों को इसके लिए पैसा खर्च नहीं होगा, सरकार की तरफ से सब काम किया जाएगा, केंद्र सरकार से सारा वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इस तरह से सब काम हो जाएगा। तो अभी जो कष्ट संकट आया है उससे भी हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। हर प्रकार के बारे में हम लोग इन सब बातों को लेकर सचेत रहते हैं। तो आज आप सब लोगों के बीच में, आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए तो मैंने आपको बधाई दिया, धन्यवाद दिया, और मुझे बहुत खुशी है। और इसी जगह पर तो 2 साल पहले भी जब नड्डा साहब आए थे तो हमको जहाँ तक ध्यान में है लगभग यहीं पर हम लोग मीटिंग किए थे, और फिर आपके बीच आने का मौका मिला। अब ये जब बनना शुरू हो जाएगा और तेजी से काम होगा तो हम तो चाहेंगे बीच बीच हम आकर के देखेंगे जरूर, बिना बताए हम आ जाएंगे और हम लोग आकर के देखते होंगे कि काम कितना तेजी से चला और जल्दी से जल्दी काम हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय पर मैं आप सब लोगों को भी बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और खास करके अपने स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री जी को और पूरे स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, और निश्चित रूप से जो काम चल रहा है और बेहतर ढंग से पूरा काम किया जाएगा। इन्हीं सपनों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।